होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है, इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए, ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये घोषणा कर दिया गया कब जो है रिजल्ट जारी होने वाला है। आपको जो है लिंक भी एक्टिव, नया लिंक एक्टिव किया है, आपको इस वेबसाइट के माध्यम से कहां पर जाकर आपको डाउनलोड करना होगा, कहां पर क्या है पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है ना आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर देना और सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देना, आज की तरह वीडियो को फैला दो, 13 और 12 दोनों के लिए यह नोटिस जारी हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो इसलिए एक बार वीडियो को जमकर सभी स्टूडेंट सबसे पहले जो है शेयर कर देना। आपको नीचे स्क्रॉल करके आएगा तो आपको नोटिस मिल जाएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बिहार विद्यालय मार्च में इंटर का रिजल्ट जारी होने वाला और मैट्रिक का 15 अप्रैल से पहले आ जाएगा रिजल्ट, यानी जो है मैट्रिक का रिजल्ट पहले आ सकता है। और इतना यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूरा डिटेल में, ये जो भी जारी हुआ है हिंदुस्तान के पेपर में जारी हुआ था वो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं छपा हुआ था। मैट्रिक परीक्षा का संपन्न कुल 171 परीक्षार्थी, यानी जो ना जो स्टूडेंट 171 स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे थे वो 171 स्टूडेंट निष्कासित किए गए थे, 117 दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़े गए, यानी जो ना जो एग्जाम हॉल में जो भी स्टूडेंट जाते हैं उसके बदले दूसरा 117 स्टूडेंट पकड़ा गया दूसरे के दूसरे जगह पर एग्जाम देते हुए। इसी प्रकार जो नोटिस जो जारी हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, कहां पर पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, आपको हम पहले पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को जमकर लाइक कर देना, आपको जो गूगल पे जाना है ब्राउज़र में सर्च कर लीजिएगा, फटाफट सबमिशन सर्च कर लीजिएगा बिहार सेंटर, बिहार सेंटर सर्च करेगा बिहार सेंटर BIHR सेंटर सर्च करना है। यहाँ पर जो बिहार सेंटर दिखा हुआ है इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने फट से खुल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में पेज को रिफ्रेश करना है, नीचे उधर इधर उधर नहीं बोकना, ऊपर में पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और यहाँ पर सिंपली जो रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर घंटे दो घंटे में चेकआउट करते रहिए। बिहार बोर्ड कुछ न कुछ नया अपडेट देता रहा है, अभी जो है नया नया अपडेट दे रहा है, कॉपी जब पूरा इस तरह कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। चलिए आपको जो है इस पे आना, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर जैसे ही इस तरह का इंटरफेस खुलेगा ऊपर में ही दिया गया आपको जो है 10th और 12th इस तरह का थंबनेल आपको चेक करने का लिए यहाँ पर जो है लिंक का भी प्रोवाइड किया, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, तो सबसे पहले पेज को ऊपर में ही रिफ्रेश कर लेना है और 5 सेकेंड वेट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BSV 10th 12th रिजल्ट न्यू लिंक एक्टिव, यानी न्यू लिंक जो है बिहार बोर्ड ने जारी किया और यहाँ पर एक्टिव हो चुका है बिहार सेंटर पे। और यहाँ पर आपको इस तरह का जो है दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके पेज को एक दो बार रिफ्रेश कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करके आएगा यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा नोटिस जो आज हिंदुस्तान में छपा था उसका नोटिस आपको यहाँ मिलेगा। आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं और आपको पल पल का अपडेट के लिए जो है हमेशा सर्च करते रहेगा बिहार सेंटर। और सबसे खास बात यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट, यानी बिहार बोर्ड के हर एक अपडेट होने के लिए गूगल पर सर्च करिए biharcenter.com या बिहार सेंटर भी सर्च करिएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, ऊपर में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, सबसे बेस्ट तरीका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप में जरूर जुड़ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएगा तो यहाँ पर बेस्ट लिंक आपके लिए एक्टिव किया गया है, यहाँ पर 10th स्टूडेंट के लिए 3 बेस्ट लिंक दिया गया, लिंक 1 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिंक 2 लिंक 3 और 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी 3 लिंक दिया गया है, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3। किसी भी लिंक पर क्लिक करके अपना जब भी रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेगा अभी बताए थे बिहार बोर्ड ने लिंक एक्टिव किया न्यू लिंक, यहाँ पर आने के बाद आपको देख सकते हैं जो है यहाँ पर आपको सिंपली जो है रोल कोड डालना होगा, यहाँ पर जो है रोल कोड डालना होगा और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले 5 सेकेंड वेट जरूर कर लीजिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट का, तो यहाँ पर वेट करना जरूरी है। यहाँ पर जो है रोल नंबर रोल कोड डालना है, नीचे रोल नंबर पूछ रहा है, नीचे रोल नंबर यहाँ पर डालिएगा और यहाँ पर कैप्चा भर के यहाँ पर व्यू पर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका डाउनलोड होगा, रिजल्ट आ जाएगा। हमेशा हर अपडेट बिहार बोर्ड के पाने के लिए जो है आपको सर्च करना है बिहार सेंटर BIHR बिहार सेंटर CE
NTER सेंटर सर्च करते रहेगा बिहार सेंटर और आप हर एक अपडेट यहां पर मिलेगा। और आपको अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना है, सभी स्टूडेंट वीडियो को जमकर जो है जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट आकर अपना जो है रिजल्ट चेक कर सके, रिजल्ट चेकआउट कर सके। हमेशा बिहार सेंटर सर्च करके जो है अपना रिजल्ट चेक करिएगा और सभी स्टूडेंट जमकर एक बार वीडियो को लाइक कर देना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का आपको न्यूज कैसा लगा सर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।